हे एवरीवन, व्हाट्सअप। आज के एपिसोड की स्टार्ट हम लोग जो है घर से कर रहे हैं और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। हम लोग निकल रहे हैं एक नई लोकेशन पर एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोकेशन है भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम। आज हम लोग जाएंगे वहां पर, देखेंगे भाई किस तरीके की लोकेशन है। अभी बजे हैं दिन के 1:35, फटाफट से निकलते हैं आज। ऑलराइट गाइस, मैंने अभी गाड़ी निकाल ली है, मम्मी अभी आ रही है पीछे से, बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए घर से। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे की लोकेशन। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो जिम कॉर्बेट म्यूजियम है वो बहुत कम एक्सप्लोर जगह है यार। तो आज मेरा मन हुआ कि क्यों ना आज उस जगह को जाकर हम एक्सप्लोर करें, तो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि वहाँ की लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। तो यार अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रामनगर, और रामनगर से हम लोग ऊपर निकल रहे हैं और यहाँ पर रूट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, सफारी वाला मौसम चल रहा है यहाँ पर, सफारी अभी भी कंटिन्यू है। अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉर्बेट वाली रेंज से और ये सामने पूरी कॉर्बेट की रेंज है। रास्ता सीधा जा रहा है ये रानीखेत के लिए। यहाँ देखो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस है यहाँ के। ये सागौन के पेड़ हैं भाई बड़े बड़े जो आप सामने देख रहे हो, और रूट ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, दोनों तरफ पेड़ से कवर्ड किया हुआ। बहुत ज़्यादा जो है भीड़ लगी हुई है टूरिस्ट की, ये देख रहे हो आप। यहाँ पर होटल्स जो हैं वो बहुत हैं, राइडर्स जा रहे हैं लंबे टूर पर, बॉयज़ जा रहे हैं। हमारे पास है गर्जा माता का मंदिर, ये ऑन रोड है, और बाकी एक जो मेन टेंपल है वो अंदर की तरफ पड़ता है। तो यहाँ देखो ये है स्टील ब्रिज, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है यार। यहाँ फोटोग्राफी के लिए बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत पुराना ब्रिज था ये पीछे वाला, और यहाँ से जो ज़बरदस्त रूट शुरू होता है ना उसके मज़े अलग है। बिल्कुल ट्रैक वाली फीलिंग आती है, जैसे आप ट्रैक पर चला रहे हो। यहाँ से टर्न्स देखना आप, कितने प्यारे टर्न्स आएंगे। यहाँ एक बार बाइक से भी ज़रूर आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पानी वाली लोकेशन है, वाटर क्रॉसिंग होती है यहाँ से बारिश के सीज़न में। और ये है गर्जिया माता जी का स्टॉप, और आई थिंक खुला हुआ है गर्जिया माता जी का इस समय टाइम। यहाँ से रानीखेत 82 है, टिकाला रेंज 36 है, और ये जो खुला हुआ है और इसी वजह से आई थिंक आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। संडे का दिन है, गर्जिया माता पे आने के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं, यह है धनगढ़ी गेट, यहीं पर है कॉर्बेट म्यूजियम। ये हमारे सामने है कॉर्बेट म्यूजियम, और फटाफट से यहाँ पर जरा गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जरा। राइट गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पार्क में। पार्क नहीं है ये, बेसिकली जिम कॉर्बेट म्यूजियम है। जरा लुक ले लो यहाँ से, तो ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे, और ये पूरा धनगढ़ी गेट टिकाला रेंज पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट बना रखा है जिसपे सारी चीज़ें लगी हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी अंदर चलते हैं। तो ये है एंट्रेंस यहाँ की, और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो है एक जोन पड़ता है, और यहाँ से ये बोर्ड लगा है, यहाँ लिखा है धनगढ़ी एंट्री गेट या ढिकाला टूरिज्म जोन है, यानी कि ये ढिकाला वाला जोन है। सीधा अंदर जो है सफारी जाती है, यहीं पर है बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर म्यूजियम है। हमें अंदर चलना है, अंदर चलते हैं, अंदर हम वहाँ से चलेंगे। और यहाँ पर बुक अवेलेबल हैं जो कॉर्बेट के लिए, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। और इधर से अभी हम लोग टिकट लेंगे सामने वाली लोकेशन से। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर पे, तो हियर वी हैव अ टिकट काउंटर। यहाँ चलते हैं टिकट काउंटर पे, टिकट लेते हैं, पता करते हैं कितने कितने के टिकट हैं। म्यूजियम ओपन है मैम? 2 टिकट चाहिए। तो यार अभी हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं, ये 2 टिकट लिए हैं मैंने, एक अपने लिए लिया है और एक लिया है मम्मी के लिए। और टिकट का चार्ज यहाँ पर 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अभी अंदर चलते हैं, और ये है लोकेशन अंदर की जहाँ से अभी हम एंटर होंगे। सामने म्यूजियम है, ये पूरा एरिया जो है म्यूजियम से कवर किया हुआ है। अंदर चलते हैं अभी। यहाँ अभी मैं आ चुका हूँ कॉर्बेट म्यूजियम के बिल्कुल फ्रंट गेट पर। अभी उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ जो म्यूजियम के सामने है। ये देखिए म्यूजियम के सामने ये एक जेट बोट रखी गई है जिसको संरक्षित किया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा। ये म्यूजियम के जस्ट सामने है जो मेन गेट है, और इसको एक ग्लास के हाउस में बंद करके रखा गया है। इस बोट की सारी डिटेल जो है बिल्कुल बोर्ड पर लगी है। क्या इस बोट का नाम है? तो ये इस बोट का नाम जो है ये हैमिल्टन जेट बोट है, और इसका नाम जो है कीवी बोट है। तो ये जो एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जो थे मिल्टन हिलेरी, उनके द्वारा जो है आकाशगंगा अभियान में अन्य 2 जेट बोटों के साथ में इस बोट को प्रयोग में लाया गया था। और ये जो बोट है ये हैमिल्टन ने 1977 के अभियान की समाप्ति के बाद भारत सरकार को जो है उपहार के स्वरूप में इसको दे दिया गया था। और ये दिनांक 1/5/1979 को जो है इस जेट बोट को कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा
गंगा एवं एयर इंडिया नामक अन्य दो बोटों के साथ में जो पश्चिम बंगाल में चली गई हैं। तो ये पीछे जो है यार बोट वाली लोकेशन थी, पीछे जेट बोट रखा हुआ था, और यहाँ पर जब आप एंटर करोगे तो एक बहुत ही बढ़िया आपको व्यू दिखाई देगा। ये देखो, इट इज़ ऑसम यार, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो स्टैचू बनाया हुआ है, यहाँ से पूरी फील आती है अभी कॉर्बेट वाली। ये ढिकाला रेंज है और यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने के लिए मिलते हैं। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो ये पॉइंट किया हुआ है कि हमें इस तरीके से जाना है। और ये म्यूजियम है, ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये क्या है, ये है मादा तेंदुआ, और 1986 में इसको मार दिया गया था। और ये जिम कॉर्बेट थे, उनके द्वारा उन्होंने मारा था। वो सबसे ज़्यादा जो आदमखोर मारने वाले ही शिकारी थे वो। ये रियल है बिल्कुल, और इसके अंदर जो है ना कुछ इन्होंने भर दिया है, और स्किन इसकी रियल है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये पूरा एक मैप है म्यूजियम का, बहुत ही बढ़िया, लुक एट दिस। और इन पाथ को हमें फॉलो करना है तभी आगे चलना है। यहाँ पर अंदर के कुछ व्यूज़ लगाए हुए हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल। और ये हैं जिम कॉर्बेट की यंग एज का एक फ़ोटो, जिनके नाम पर जो है जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क रखा गया है, और उन्हीं के लिए याद में ये म्यूजियम बना हुआ है। एंड लुक एट दिस यार, दिस इज़ ब्यूटीफुल। देख रहे हो यार कितना ह्यूज है ये, रियल में सामने आ गया ना तो दम निकल जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल है ये, ये इसकी स्किन जो है बिल्कुल ओरिजिनल है। इसको प्रिजर्व करके रखा गया, बचा के रखा गया, संरक्षित किया गया है। और ये है एक बाघ, और इसकी मृत्यु की तिथि लिखी है 25/2/1986, और ये टाइगर रिजर्व के बाहर पाया गया। ये बाघ की कुदरती मृत्यु हुई थी, इसको किसी ने मारा नहीं था, ये नेचुरल डेथ हुई थी। वाइज वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। और ये जो है एक स्केलेटन है, और ये किस चीज़ का स्केलेटन है ये देखते हैं। ये बाघ का ही स्केलेटन है भाई, 1981 में इसकी डेथ हुई है। और ये टाइगर है, और देखो यार कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, सारी जान इसके पंजों में होती है, सारी की सारी जान। और एक ये दूसरा है भाई, थर्ड है ये, देख रहे हो कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, पंजे देखो इसके। यहाँ देखो इसकी मृत्यु की डेथ जो हुई है 1982 में हुई है, ये बाघ से ही मारा गया है भाई, टाइगर रिजर्व के बाहर मिला, और ये भी बाघ के द्वारा ही डेथ हुई है इसकी। तो ये देखो यार इसका साइज़ ज़रा चेकआउट करो, कितना बड़ा है, वाओ ब्यूटीफुल, क्या बात है, बड़ा यार। ये पीछे मेरे जो है बहुत ही बढ़िया सा एक म्यूज़ियम है। अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, अभी आप अपने शॉट चेक किए होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया है यार। वहाँ से हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए चलना है। और ये कुछ घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड एरिया पड़ता है, और इसी पे सबसे ज़्यादा जो है टाइगर देखा जाता है, इस ग्रासलैंड वाले एरिया में। और ये देखो एक हाथी का बच्चा, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ये मतलब इसके अंदर जो है कुछ चीज़ कर दी गई है, बाकी इसकी स्किन जो है वो बिल्कुल रियल है। तो ये एलिफेंट काफ है का इतिहास, ये हाथी का भगदड़ में मारा गया था, तो भाई इसका इतिहास भी लिखा गया है। और जरा इस सेंटर पॉइंट में ये चीज देख लो जरा कितनी खतरनाक है, इसकी लेंथ जरा एक बार आप चेकआउट करो यार, वाओ देख रहे हो, इट्स ब्यूटीफुल मैन। मृत्यु की तिथि 1977, लंबाई तो देखो यार इसकी कितनी बड़ी है, वाओ। ये बाघ हाथी के साथ लड़ाई में मारा गया, और यह लड़ाई पूरी रात चली थी। सुबह ये बाघ हाथी द्वारा कुचलने के कारण मारा हुआ पाया गया था। स्ट्रेंज यार, इसने जो है हाथी के साथ लड़ाई करी थी और हाथी ने इसको मारा था, क्या बात है, दैट्स सो ब्यूटीफुल। लुक एट द लेंथ ऑफ दिस टाइगर, 6 फीट के बराबर है भाई ये, तो खा जाए यार सीरियसली। कुछ एक सिनेमैटिक व्यू इन्होंने क्रिएट किया हुआ है म्यूजियम के अंदर, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, उधर डियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर मंकीज दिखाई दे रहे हैं, वुडलैंड्स यहाँ पर शो किया है, और ये वेटलैंड शो किया है। पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि अंदर हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। ये घास का मैदान, इधर देखो ये घास दिखाई दे रही है, ये पूरा वेटलैंड वाला एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें फिश वगैरह आ गई हैं, उधर सनशाइन दिखाई दे रहा है, और ये वुडलैंड यानी कि जो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट होते हैं ये वो वाला एरिया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक डियर है जिसमें डियर रखा गया है, स्पीसीज इसकी हॉक डियर है, और ढिकाला के रेंज में ये पाया गया है, नेचुरल डेथ हुई है इसकी, बहुत बढ़िया। ये कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगाई हुई है, यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा हैं यार अंदर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें। ये है ऊपर मैमल्स ऑफ कॉर्बेट, अब इस वाले पोर्शन में हम लोग चलेंगे, और आगे कुछ इस तरीके से है।
बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी कर रखी है। पैड देख रहे हो नीचे, बस इन्हें ही फॉलो करना है और आप अपने आप ही सारी जगह पहुंच जाओगे। अब इसके बाद हमें यहाँ जाना है इस लोकेशन पर, और ये और ही बढ़िया जगह है। वाओ 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 वाओ, लुक एट दिस यार, इट्स ऑसम। मतलब आज यहाँ पर जो सडनली प्रोग्राम बनाया है ना, लुक एट दिस, यहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है, यहाँ से भी हमने एंटर किया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार आप एकदम जो है ना कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हो, बिल्कुल रियलिस्टिक फील दिया है। मतलब बच्चे बच्चे आ गए ना यहाँ पर तो खतरनाक डर जाएंगे। ये पूरी मगरमच्छ की प्रजातियाँ दिखी है यहाँ पर, और यहाँ देख लो जरा एक और नज़ारा, बिल्कुल ऐसे सिनेमैटिक लग रहा है ना। मतलब आपको 3D मूवीज में भी इस तरीके का लुक देखने के लिए नहीं मिलेगा यार। और ये बिल्कुल हमारे रामनगर के पास है, आओ यहाँ पर और मजे लो, इन्जॉय करो, इस चीज़ को तो मिस करना ही नहीं चाहिए। मात्र 100 रुपीज़ का टिकट है और बिल्कुल वर्थ है यार, कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं है। यहाँ पर बर्ड्स दिखा रखी हैं सारी, इट्स ऑसम माय डियर, ब्यूटीफुल। यहाँ से ज़रा सीन देखो, ज़रा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। वो देखो जंगली सुअर दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और ये पाया जाता है, ये टाइगर से लड़ाई करता है भैया, सीधा जो है वाइल्ड बोर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। एंड यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, नदी के किनारे वाले परिंदे दिखाए हैं, ये कॉर्बेट के सरीसृप हैं ये, और ये नदियाँ जंगल की जीवन की डोर हैं भैया, सबसे ज़्यादा लाइफलाइन मानी जाती हैं जितनी भी रिवर हैं, जिनमें से कोसी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लुक एट दिस व्यू, ज़रा इसे भी चेक कर लो एक बार, ये देखो ज़रा ये मगरमच्छ भाई साहब कैसे लेटे हुए हैं। क्रोकोडाइल देखो ज़रा कितना बेहतरीन लग रहा है। उधर बर्ड्स वगैरह दिए हैं, यहाँ मोर हैं, कैसा लग रहा है मम्मी? तुम तो बिल्कुल मैच कर रही हो, बिल्कुल तुम्हारी जो क्लॉथ्स हैं पूरे कॉर्बेट वाले लुक में आ रहे हैं। अभी हम और आगे चलेंगे, फिलहाल ज़रा यहाँ एक पिक क्लिक करते हैं। तो यार यहाँ पर एक थिएटर है, आप जरा अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो शूट कर ही नहीं पाएंगे यार। यहाँ पर अंदर जो है एक बहुत ही बढ़िया शो था जो डार्क में दिखाई देता है, उसको हम देखने गए थे। यहाँ बारिश वारिश हो रही है भैया, पूरा फील दे रखा है इन लोगों ने। तो यार ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, पीछे म्यूजियम है और अंदर जो है स्टेडियम था, और इसमें थिएटर वाला सीन चल रहा था, नाइट का सीजन था। पीछे आप मेरे देख सकते हो वो वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, बारिश वाला सीन है। अब हम लोग अंदर चलते हैं ज़रा, और एक और थिएटर है ज़रा उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दिस लुक एट दिस थिएटर, दिस इज वेरी ऑसम, और यहाँ प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हैं, एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं, अच्छे बैठते हैं। बस 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 बस, ये 3D ग्लासेस हैं, इनको पहन लेना भाई। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं थिएटर में और ये 3D ग्लासेस हम लोगों को दे चुके हैं। अब देखते हैं ज़रा, वॉच करते हैं क्या नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी डार्क हो रहा है, साथ में मम्मी बैठी हुई हैं। तो यार अभी हम लोग पीछे थिएटर में से निकल के आए हैं, और ये पीछे थिएटर था, यहाँ पर 3D मूवी दिखाई जो बिल्कुल ज़बरदस्त थी, ऑसम थी, मज़ा आ गया यार, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और इसका एक्सपीरियंस एकदम थ्रिलिंग था, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम जंगल के बीच में हैं, इट्स ऑसम। अभी चलते हैं पीछे जहाँ मम्मी है, वहाँ दिखाते हैं क्या है। बिल्कुल एक डेडिकेटेड हॉल जो जिम के लिए है, जो जिम थे यहाँ पर, जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर ये पूरे नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, जो एक बहुत बड़े शिकारी थे जिन्होंने बहुत सारे आदमखोर को मारा है, तो उनके लिए ये डेडिकेटेड है पूरा हॉल। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें सारी उनकी हिस्ट्री लिखी गई है और सारा म्यूजियम के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। जरा यहाँ चेकआउट करो, लुक एट दिस। एक और यहाँ पर टाइग्रेस है, आई थिंक पैंथर, इसको पैंथर बोलते हैं भाई, इसकी प्रजाति पैंथर है, तेंदुआ जिसको हम बोलते हैं। चेक दिस आउट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्रिज। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पूरा मैप दिया गया कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, सारे जोन्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। एक और हॉल में अभी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। क्या बात है यार, देखो तो सही, वाइल्ड लाइफ बिल्कुल पूरी इन लोगों ने एकदम रियलिटी में दिखा दी है। टाइगर हिरण, छोटे हिरण, सांबा हिरण, ऊपर देखो ज़रा इसको क्या लग रहा है यार ये जानवर। ये देखो ये भाई साहब, लियोपॉर्ड, पैंथर, सांभर, टाइगर एंड एशियन एलिफेंट। हम लोग बाहर आ चुके हैं म्यूजियम से, म्यूजियम बहुत ही ज़बरदस्त था। आई होप आप लोगों को भी शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। और ये सारी रेंज जो है सारी डिकाला रेंज दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ बैठने के लिए टेबल्स वगैरह डाली हुई हैं, और पीछे जो है सारा कॉर्बेट का जंगल ही जंगल आप लोगों को दिखाई देगा। और मेरे पीछे है ये वाला जो पोर्शन है ये म्यूजियम का है, जिसमें अभी हम लोग अंदर थे। आई होप आपको शॉर्ट्स जो है पसंद आए होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, स्पेशली जो अंदर का थिएटर था वो एक नंबर था। अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर एक चीज़ हमने मिस कर दी है कि यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट थे, जो कॉर्बेट का नेशनल पार्क है, उनकी एक प्रतिमा, एक स्टैचू बना है, बहुत ही बढ़िया है, वो भी जरा आप लोगों को चेकआउट करा दो। जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिनके नाम पर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ये इनकी एक यहाँ पर स्टैचू लगी है, लुक एट दिस, इट इज़ ब्यूटीफुल। एक हट बनाई हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट पर आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ व्यू था साथ में मम्मी, मम्मी कैसा लगा तुम्हें?
यहाँ मेरे पीछे एक शॉप है यार, जहाँ से आप जो है यहाँ पर कुछ गुडीज़ वगैरह परचेस कर सकते हैं, यहाँ के कुछ अच्छे आइटम लेके जा सकते हैं। यहाँ पर टी शर्ट्स हैट वगैरह रखे हैं पीछे शॉप में, ये भी म्यूज़ियम के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में बना है। अब बस यहाँ से निकलते हैं, पीछे जो शॉप देख रहे हो अभी हम लोग अंदर देख के आए हैं। यहाँ पर टी शर्ट, हुडीज़, मग और कुछ बास्केट्स वगैरह रखे हैं, कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल सामान रखा हुआ है जो आप अपने घर लेके जा सकते हो। बढ़िया शॉप है, आके यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो यार अब हम लोग अपने घर की तरफ रुक कर रहे हैं। आज का जो है ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पीछे जो है बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।